दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। प्रतिभा किसी भी स्थिति की मोहताज नहीं होती। अगर प्रतिभा है तो धीरे धीरे उसको अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो अपने मुकाम पर पहुंच जाती है। आज पेप्टिक टाइम की इस खास पेशकश में हम एक ऐसी ही प्रतिभाशाली गायिका की बात कर रहे हैं। मंदसौर की बेटी हर्षिता कड़ौतिया इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हर्षिता एक सिंगर हैं जो एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से निकल कर आई हैं और अपनी गायकी के जुनून को पूरा करते हुए उन्होंने पिछले दिनों YouTube पर अपने कुछ जब वीडियो अपलोड किए तो इन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। हर्षिता फिल्मी और नॉन फिल्मी तमाम गीत गाती हैं। पिछले दिनों शिवरात्रि के मौके पर उन्होंने महादेव की भक्ति से उत्प्रोत एक गीत जब प्रस्तुत किया तो मंदसौर के लोगों ने इसे काफी पसंद किया। हमारे संवाददाता ललित शंकर धाकड़ ने हर्षिता कड़ौतिया से बात की, उनकी अब तक की यात्रा के बारे में जानकारी ली। पहले सुनिए हर्षिता के गाए हुए कुछ गीत और उसके बाद हर्षिता से हुई बातचीत। जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। छोटी थी जब 7th class में थी तब मैंने थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाया था स्कूल में और मेरी बहुत आदत थी गाने की। लेकिन मैं जैसे ही घर पे लेकर आती थी कोई भी शील्ड वगैरह लाती थी या ट्रॉफी वगैरह लाती थी लेकिन मेरी मम्मी उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे, पापा सपोर्ट नहीं करते थे कि नहीं पढ़ाई में लेकर आओ, सिंगिंग में लाने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती हूँ इसलिए। लेकिन फिर जैसे मैं बड़ी हो गई और उसके बाद फिर मैं कॉलोनी में भी हर जगह माइक पकड़ के बस गाने लग जाती थी तो कॉलोनी वालों ने आके मेरे घर पे बोला कि ये बहुत अच्छा गाती है, इसको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कीजिए आप। तो उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया और अभी मैं महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और जैसे मंदसौर में रह रहे हैं, महादेव जी की नगरी में रह रहे हैं तो मुझे लगा कि माँ शिवरात्रि का मौका तो छोड़ना ही नहीं चाहिए और बस उस पर सॉन्ग बना दिया। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? ये समथिंग 2-3 साल हो चुके हैं। मुझे यही प्रेरणा दूंगी कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको आप मनाइए, उनके खिलाफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप उनको मना सकते हैं, उनको मना के आप अपनी चीज़ में शामिल कीजिए, उनको बताइए कि आपकी खुशी किस चीज़ में और कुछ ना कुछ करके बताइए, ऐसा नहीं कि आपने करने तो लग गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अच्छा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने सिंगिंग को लेकर कोई ऑडिशन या कोई प्लेटफॉर्म के लिए कुछ चुना, आपने कोई तैयारी की आपने इसको लेकर? तैयारी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं की है लेकिन जो ऑडिशन वगैरह होते रहते हैं जैसे इस सिटी में होते हैं, अदर सिटी में होते हैं तो वो मैंने दिए हैं।